तो गाइस ये विश्व का एकमात्र मंदिर लक्ष्मण जी थे जो तपस्या कर रहे थे। कपिला नदी और एक राम जी ने कहा की थी आगे आ जाओ इधर तपस्या चप्पल निकल के आ जाओ यही दर्शन की जगह है बताएंगे ये पहला दर्शन है राम भगवान और सीता माता जी का। ये जगह पर तीन भगवान खड़े हुए थे ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीन भगवान के चरण लगने से तीन तीरथ है तीन कुंड है यहाँ पे। ये तीन भगवान को साक्षी मानकर यहाँ पे सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड रावण जो लेकर गए सीता माता का मायावी रूप रावण लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। और सीता माता का असल रूप यही तीन भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था जो अग्नि कुंड है। ये बीच में वाला मुक्ति कुंड है सीता माता स्नान करने की जगह। कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी और त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी ये दो नदी का संगम होता है। पीछे जल लेना तीर्थ लेना करो ये जगह पर इतना शक्ति दान होते रामायण कालीन जगह ये कर्म भूमि और अपनी इच्छा रामायण कालीन जगह। इन्हें सूर्पनखा की नाक कटी थी। सूर्पनखा मंदिर है भी। हाँ ये रावण की बहन सूर्पनखा ये लक्ष्मण यहाँ पर कपिल मुनि कपिला गए। कपिल मुनि यहाँ तप करके नदी लाई कपिला और नासिक जाती हो गया दोनों नदी का संगम कपिला गए। बरसा के ये पानी आता है बाढ़ आता है करके ऊपर मंदिर दिखाए वो कपिला नदी को बन ये चीज अलग होगी त्र्यंबकेश्वर दर्शन का अलग होगा। देखो गाइस हमारी माता सदा ही गुस्से में रहती है इनका कुछ सोल्यूशन बताया जाए गाइस देखो परेशान
इसी जगह से इसी भूमि से सीता मैया को रावण उठाकर लेकर गया। पीछे मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चालू, इसलिए दर्शन आगे किया है। शांति से दर्शन करो, मनोकामना मांग लो। तो गाइस ये है गोदावरी नदी, यहाँ कैसा कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला, नासिक में कुंभ का मेला जो लगता है वो जगह है।